दोस्तों अगर बात करी जाए बेहतरीन स्कीम्स के बारे में, तो भैया बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की तीन ऐसी स्कीम के बारे में जो कि भैया दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, और अगर मैं बात करूं 2020 से लेकर के 2021-22-23 तक बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपको देने वाली है। यहां पे अनुमान ये लगाया गया है कि इन वाली स्कीम्स के अंदर तकरीबन 7% से लेकर के 8 या 8.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बने रहिए शुरू से लेकर के आज इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोस्ट ऑफिस की तीन बेहतरीन स्कीम के बारे में बताऊंगा और साथ के साथ में बताऊंगा कि कौन सी स्कीम में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा यहां पे पोस्ट ऑफिस की इन वाली स्कीम्स के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली स्कीम के बारे में जो कि निकल के आती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, वो है भैया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये एक ऐसी स्कीम है जहां पे आप भैया 500 रुपए से लेकर के मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करी जाए इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो तकरीबन 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए 7.9% है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इंडिविजुअल में, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो भैया पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जॉइंट अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जॉइंट अकाउंट आप नहीं ओपन कर पाएंगे। इसके अलावा इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है दोस्तों वो है 15 साल का, यानी कि 15 साल से पहले आप इस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते। हालांकि यहां पे प्री मैच्योर क्लोजर और पार्शियली पेमेंट विड्रॉल का ऑप्शन आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ अच्छी मैच्योरिटी आप यहां से गेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरे टैक्स लवर हैं, अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और साथ के साथ में मैं आपको बात करूं भैया, यहां पे जॉब के चलते, बिजनेस के चलते, जब कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप जाते हैं वहां पर आपको अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी बड़ी ही आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यह है पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 2020 के अंदर एक ऐसी स्कीम साबित हो सकती है आपके लिए जो आपको वेल्थी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगी और बहुत अच्छा पैसा आप यहां से गेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दूसरी स्कीम के बारे में जो कि भैया निकल के आती है मेरे अकॉर्डिंगली, जो जहां पे जाकर के आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आती है भैया पोस्ट ऑफिस की ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आवर्ती जमा योजना के बारे में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। यहां पे भी मिनिमम 100 रुपए से लेकर के और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कम से कम 100 रुपए हर महीने जमा करा सकते हैं हम, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। चाहे आप 10,000 कराएं, चाहे 20,000 कराएं, या 50,000 या 1 लाख रुपए महीना भी इस वाली स्कीम के अंदर जमा करा सकते हैं। अवधि की अगर मैं बात करूं भैया तो यहां पे 12 महीने से लेकर के 120 महीने तक के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि अब दोबारा से अच्छी बात है। बात करी जाए भैया इसको पार्शियली विड्रॉल या उससे पहले क्लोज कराया जा सकता है, जी हाँ कराया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पार्शियली क्लोज भी कराएं आप इसको, क्योंकि यहां पे ज्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इसको पूरे लॉन्ग टर्म में लेकर के चलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट की अगर दोस्तों बात करूं यहां पे तो इंटरेस्ट आपको मिलता है 7.2% का, जो कि यहां पे कंपाउंडेड रहता है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा यहां पे ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहे ज्वाइंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, या फिर 3 अडल्ट मिलकर एक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, एक अकाउंट को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। साथ के साथ में जॉब के चलते, बिजनेस के चलते, जब कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होगा यहां पर अकाउंट ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा, जो पहली और दूसरी स्कीम तो मैंने आपको बता दी भैया, इसके अलावा एक और बेहतरीन स्कीम यहां पे निकल के आती है जो कि आती है भैया टर्म डिपॉजिट, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। अब दोस्तों यहां पे फिक्स डिपॉजिट के बारे में 2020 में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पे 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के लिए आप इसको फिक्स डिपॉजिट को ओपन कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के नाम से आपको यहां पे पोस्ट ऑफिस में कोई भी स्कीम नहीं मिलेगी, लेकिन फिक्स डिपॉजिट को यहां पे पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करके
सेल किया जा रहा है। और यहां पे अगर मैं बात करूं भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर आप एक साल के स्लैब में जाएंगे तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पांच साल के स्लैब में जाएंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो कि चीज कॉमन रहेगी सभी चीजों में, वो रहेगी कम से कम ₹1,000 से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कभी भी कैसे भी करके आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीपल ₹100 के कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ₹1,100 से है, ₹1,200, ₹1,300, ₹1,500, ₹2,000, ₹2,100, लेकिन इसके अंदर आप जैसे कि ₹1,150, ₹1,250 करके आप इसके अंदर जमा नहीं करा सकते। ₹100 के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप इसके अंदर जमा करा सकते हैं, कोई भी लिमिट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों अगर आपके पास ₹1,00,000 है, अगर आपके पास ₹2,00,000, अगर आपके पास ₹5,00,000, वन शॉट आप इसके अंदर जमा करा दीजिए। एक टाइम फिक्स कर लीजिए आपको कितने दिन के लिए करना है, क्या आप इसको एक साल के लिए फिक्स करना चाह रहे हैं, दो साल के लिए करना चाह रहे हैं, या फिर आप करना चाह रहे हैं इस चीज को पांच साल के लिए। अगर आप एक साल के लिए करेंगे, दो साल के लिए करना चाहते हैं और तीन साल के लिए करना चाहते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको मिलता है भैया 6.9% का मिलता है। इसके अलावा अगर आप भैया इसको करते हैं पांच सालों के लिए अगर आप करेंगे तो 7.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, जो कि कंपाउंडेड रहता है। सिंगल अकाउंट आप इसके अंदर ओपन कर सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो माइनर के नाम पे भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपका बेटा या बेटी है जिनकी उम्र 10 साल से कम है तो वो भी इनको अकाउंट ऑपरेशन कर सकते हैं, अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। बात आती है भैया पार्शियली विड्रॉल, जी हाँ दोस्तों पार्शियली विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। इवन ही अगर आप पार्शियली इसको क्लोज भी कराना चाहते हैं तो भी आप इसका ऑप्शन यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं इस चीज का। इसके अलावा दोस्तों जॉब के चलते, बिजनेस के चलते, जब कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होगा यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, जो कि दोबारा से अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे पासबुक इश्यू आप कराना चाहते हैं तो पासबुक इश्यू करा सकते हैं। और जो भैया मेरे टैक्स लवर है मेरे, जैसे कि कोई भी टैक्स सेविंग के लिए अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत में टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड कराती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। दोस्तों ये तीन स्कीम जो मैंने आपको बताई है पोस्ट ऑफिस की, ये ऐसी स्कीम है जो एक्चुअली अगर आप इस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। सेफ्टी तो मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, और साथ के साथ में 100% रिटर्न्स की गारंटी आपको यहाँ पे ये वाली तीनों स्कीम देती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, जब कभी भी आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे मुझसे लोग पूछते हैं कि सर सबसे अच्छा टाइम कौन सा है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। कभी भी आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आप चाहे दिसंबर में करें चाहे जैन में करें, लेकिन भैया जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी स्कीम है जो मैंने बताई है आपको, जहां पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा। और साथ के साथ में अगर आपका कोई भी सजेशन है तो उस सजेशन को इंप्लीमेंट भी कर लिया जाएगा मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।